हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ विशाल कुमार। और आज देखेंगे हम पेपर 3 जो कि सेशन 2020 से 23 सेशन है, उनके एग्ज़ाम में आने का ये बहुत चांस है, यानी कि सभी क्वेश्चन इसी में तो आएंगे ही। तो अगर 8 क्वेश्चन आएगा जूलॉजी पेपर 3 में, तो 8 में से 6 या 7 क्वेश्चन यही आएगा इसमें से। लगभग 12 यहाँ पर कितना है ये, इसमें से 6 है और इधर भी 7-8, यानी कि 15 में से आपका 6-7 क्वेश्चन आना तय ही है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, और पूरा क्वेश्चन मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा पढ़ने के लिए। आराम से पढ़ सकते हैं, सर्च करेंगे यहाँ पर अफिनिटीज ऑफ पेट्रोम आयोजन बाय सक्सेस साइंस रिच, कोई भी चीज़ लिखिए और मेरे चैनल के साथ लिखिए तो आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो पहले आप चाहे तो वीडियो नहीं देखना चाहते तो स्क्रीन शॉट ही ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ग्रुप ए, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में ये आपको करके जाना है। फिर उसके बाद पेपर 4 के बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर ग्रुप बी का भी आप यहाँ से यहाँ ले लीजिए, शॉर्ट नोट्स का भी यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप कौन कौन चीज़ को करके जाना है, तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आराम से सुन लीजिए और नोट्स कर लीजिए कॉपी में कौन कौन पढ़ के जाना है। तो ऑब्जेक्टिव तो 15 पुस्तकें, क्लासीफाई रेप्टिलिया अप टू ऑर्डर गिविंग कैरेक्टर एंड एग्जाम्पल। तो रेप्टिलिया का ऑर्डर और साथ में कैरेक्टर और एग्जाम्पल भी देना है, तो रेप्टिलिया ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फिर है एसे ऑन ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स, सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिर है कि सलियंट फीचर एंड अफिनिटीज ऑफ पेट्रोमायोजोन, ये भी मेरे चैनल पर पूरा मिल ही जाएगा। फिर है डिफाइन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड डिस्क्राइब इट विद रिफरेंस टू एन एसिडियन बायू, तो ये भी मिल जाएगा। और यहाँ पर गिव एन अकाउंट ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन एम्फियोक्सिस, किस तरीके से एम्फियोक्सिस में फीड करता है, डाइजेशन होता है वो। फिर स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ सल्पा विद सूटेबल डायग्राम्स, तो सल्पा का लाइफ साइकिल और साथ में इसका सूटेबल जो डायग्राम होता है वो भी बनाना है। फिर अब ग्रुप बी के बात करें तो ग्रुप बी में इतना क्वेश्चन करके जाना है, जो है व्हाट इज नियोटेनी, डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ एम्फीबिया विद सूटेबल एग्जाम्पल, एम्फीबिया में किस तरीके से नियोटेनी होता है उसका एग्जाम्पल के साथ बताना। फिर है कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर्स एंड मेटाथीरिया स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज बताना है, तो ये भी क्वेश्चन कर लीजिए। ओरिजिन ऑफ बर्ड्स का, तो यहाँ पर कॉर्डेट्स का भी ओरिजिन और बर्ड्स का कैसे हुआ ये भी देखना है। फिर है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ गार्डन लिजार्ड एंड कमेंट ऑन इट्स बीट, इसके बीट पर भी यहाँ पर बताना है। फिर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ गार्डन लिजार्ड को बताना है। फिर है कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन, तो इस ग्रुप बी के इतना क्वेश्चन कर लीजिए, और फिर शॉर्ट नोट्स में इतना चीज़ आपको करके जाना है। वेरियस हर्ट, फिर है प्राइमेट्स, फिर डाउन फीदर, ब्लैक वाइट स्केल्स, वेलम ऑफ एम्फियोक्सस, ब्रैंकियल बास्केट, मेमोरी ग्लैंड्स, पिजन मिल, कोई भी चीज़ सर्च कीजिए मेरे चैनल के नाम के साथ लिखिए तो वो आ जाएगा। आप पेपर 4 में आप कर लीजिए इसका। अगर जूलॉजी ऑनर्स से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो पेमेंट थोड़ा लगेगा, उसके आधार तरीके के हेल्प मिल जाएगा। चाहे आप इसका PYQ चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का, जूलॉजी का, उसके बाद और अदर सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं, जूलॉजी, फिर केमिस्ट्री सब्सिडी, बोटनी सब्सिडी, इस तरीके के कोई भी सब्जेक्ट जूलॉजी ऑनर्स है तो जो जो आप में हेल्प चाहिए पूरा करेंगे। तो आप कुछ यहाँ पर थोड़ा पेमेंट करना होगा 88-73-17-63-06 पर, तब उसके बाद हम थोड़ा सा पेमेंट लेकर आपको PYQ चाहिए, गैस पेपर चाहिए, सिलेबस चाहिए, हर तरीके के हेल्प मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए, हर तरीके के वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है कि अब पेपर 4 में कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ हर्ट इन एम्फीबिया रेप्टिलिया एंड मैमिलिया को यहाँ पर बताना है, हर्ट ये तीनों में किस तरीके से वेरी करता है। फिर है एसे ऑन वेरियस टाइप ऑफ इंटिगुमेनेटरी डेरिवेटिव इन वर्टिब्रेट, गिव एंड कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट सीरीज। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि गिव एर अकाउंट टेस्टिस इन वर्टिब्रेट सीरीज, तो यहाँ पर किडनी, टेस्टिस, फिर इंटिगुमेनेटरी, फिर यहाँ पर हार्ट, तो इस तरीके से इतना है और यही है कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ किडनी, तो यहाँ पर वही बात आ गया। तो इस तरीके से इसको काट भी सकते हैं, क्वेश्चन को ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इस तरीके से इसमें कितना 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन करके जाना है ग्रुप ए से। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, उसी 4 में से 3 या 4 क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप बी का बात करें तो यहाँ पर है पहला कि 5 लिखते हैं कि डिस्क्राइब द ऑर्गेनोजिनेसिस ऑफ ब्रेन इन चीक विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, तो ये बना लीजिए। फिर
6 है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम, तो यहाँ पर 6 हो गया। फिर 7th क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटा फाउंड इन मैमल्स, एड अ नोट ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ प्लासेंटा। तो यहाँ पर यही है, ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा आप चैनल पर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि 8th, गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चीक अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर, तो ये भी मिल जाएगा। फिर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ केमिकल एक्शन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए कैसा कैसा है। फिर उसके बाद है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप इतना कर लीजिए, वेरियस हर्ट कॉर्पस ल्यूटियम एलेंटोइस मिजोनेफ्रॉन्स गैस्ट्रोला यॉर्क सिल्क फिर मुलेरियन डक्ट्स फिर प्रोनेफ्रिक हर्ट। अगर आप देखेंगे टोटल, मानिए टोटल आपको कितना क्वेश्चन करना है, यहाँ पर कुछ बताते, टोटल आपको 20 क्वेश्चन करना है। तो 20 क्वेश्चन मेरे चैनल पर देखें तो सब अगर 30-30 मिनट का रहेगा तो मानिए 10 घंटा आपको मेरा वीडियो देखना है, उसके साथ 15-20 घंटा खुद पढ़ेंगे, तो यानी कि आपका 30-40 घंटा में जूलॉजी ऑनर्स का पेपर ख़त्म हो जाएगा, समझ सकते हैं। अगर स्मार्ट स्टडी करते हैं तो यही है स्मार्ट स्टडी का निशानी है, इतना दिन में अगर मन से पढ़ लिए तो आपका 2 ही दिन में आप पेपर 3 पेपर 4, तो कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। तो यही बताना था, अगर इस तरीके से जैसे जूलॉजी ऑनर्स जैसा कि देख सकते, इस तरीके से अगर गेस पेपर चाहिए, चाहे बोटनी का भी चाहिए देख सकते, बोटनी का या केमिस्ट्री सब्सिडी का भी चाहिए तो वो मिल जाएगा। फिर जूलॉजी ऑनर्स पेपर ये है, फिर उसके बाद इंग्लिश कंपोजिशन वाला भी है, तो इस तरीके से भी चाहिए, चाहे हिंदी वाला भी चाहिए तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हर तरीके के हेल्प के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो शुक्रिया देखने के लिए। पीवा की भी चाहिए तो आप मैसेज करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर ज़रूरत किसी को है तो।